नमस्कार, मु डॉक्टर संजीव बेहरा। नाउ आई एम वर्किंग इन आहना गायनिक केयर एंड आईवीएफ एज आईवीएफ कंसल्टेंट। किछडा आज जस्ट खाली 2-3 पॉइंट ऊपर जस्ट स्मॉल डिस्कशन गोटे करिबा। जब लोक मानकर गोटे डाउट थाए कि आईवीएफ बहुत बड़ जिनस, आईवीएफ रे बहुत टंका खर्च जाए, 3-4 लाख टंका एमती खर्च जाए, सेमती केबे भी नुह, एटा गोटे भ्रम धारणा। हाँ, किछडा कोट कोन बाहर कोन होतो मु कहि परिबिनि से जिनस, किंतु आमर एठी जहाँ कहूँ प्रोसीजरल चार्जेस फॉर आईवीएफ अराउंड 1 लाख भितर हो जाए, नॉट 1 लाख, 90,000 भितर मध्ये हो जाए आमर प्रोसीजरल चार्जेस फॉर आईवीएफ, एवं पिकअप, एम्ब्रियो ट्रांसफर एवं आपंग एम्ब्रियो फ्रीजिंग। आउ किछ जन डाउट करनि जे एम्ब्रियो फ्रीज हेला परे कोनटा ठीक ठाक रहिबो, ना केते दिन भितर खराब हो जाइबो, ना केते दिन पर्यंत ठीक रहिबो। अप टू 5-10 इयर्स पर्यंत मध्ये से एम्ब्रियो को लिक्विड नाइट्रोजन ने -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखि हेबो, एवं ताको प्रॉपर्ली नेक्स्ट सब्सिक्वेंटली दे हेबो। आउ किछ जनकर यूजुअली गोटे डाउट थाए जे आईवीएफ रो साइड इफेक्ट कौन पेशेंट उपर, बेबी उपर, बेबी उपर तो किसी ना जानते बहुत किसी ना पेशेंट उपर। हाँ, पेशेंट उपर माइनर जहाँ भी थाए आम प्रॉपर एडवांस साइंटिफिक मशीनरी यूज करी प्रॉपर गाइडेंस रे हेटा को करा जाए, आउ किसी सेमती किसी यूजुअली किसी साइड इफेक्ट रहे ना। बहुत कपल मन भितर एटा भी गोटे क्वेश्चन आसे जे आईवीएफ बहुत फेल्योर हो बहुत केते सक्सेस आइदर केते आम सफल हो पारे। यस, तो समय समय जो मान मल्टीपल कजेस थाए, इनफर्टिलिटी कजेस थाए, मेल फीमेल मल्टीपल कजेस थाए, से केस टिके कम 40-45% टिके सक्सेस हुए। आदि सिंगल फैक्टर जमीक एजोस्पर्मिया किंबा ट्यूबल ब्लॉक ये सब केसेस 70% पर्यंत आम सक्सेस पाइपु। आउ प्राय पेशेंट मैंने आसी क्वेश्चन करते सर जब गोटे सैकल थे आम प्रेगनेंसी न आसला देन व्हाट टू डू, तापर आम कौन करवा जदि आपणकर एम्ब्रियो गुड़ाक फ्रीज होगी सरप्लस एम्ब्रियो एक्सट्रा एम्ब्रियो फ्रीज हो सेकेंड बा थर्ड ट्रांसफर कर विथ ए वेरी नॉमिनल प्राइस। एंड जदि जनकर किसी एक्सट्रा सरप्लस एम्ब्रियो न था देन दे हाव टू गो अनदर सैकल, तो से सैकल मल्टीपल सैकल करें किसी यूजुअल किसी साइड इफेक्ट या न था बॉडी। धन्यवाद।